हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की यूज से मल्टीपल आईडी कार्ड कैसे क्रिएट किया जाता है कुछ ही क्लिक्स में। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि आईडी कार्ड होता क्या है, जिसमें उस पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे उसका नाम हो गया, फादर्स नेम, उसकी क्वालिफिकेशन, प्रोफाइल, ये सब चीज़ें उस आईडी कार्ड में लिखी होती हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए अपने आईडी कार्ड को बनाते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हम पहले से ही एक आईडी कार्ड क्रिएट करके रखे हुए थे। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं आईडी कार्ड बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम आईडी कार्ड बनाने के लिए पहले हम एक नया पेज ले लेते हैं। नया पेज क्रिएट करने के लिए उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो हमारा एक नया पेज खुल करके हमारे सामने आ जाएगा। पहले हम उस पेज को सेट कर लेते हैं। पेज को सेट करने के लिए हम जाएंगे पेज लेआउट में, मार्जिन में, और यहाँ से हम कस्टम मार्जिन में अपने पेज को सेट कर लेते हैं। यहाँ से हम अपने पेज के साइज को रख लेते हैं 0.3, सब में वही रख लेंगे 0.3, इसमें भी रख लेंगे, वॉल्यूम में भी रख लेंगे हम 0.3, फिर यहाँ से राइट साइड में भी 0.3, यहाँ से हम ओके करेंगे। यहाँ से हम ओके, यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम फिक्स करना चाहते हैं, तो हाँ हमें फिक्स करना है। यहाँ से फिक्स पे क्लिक करके यहाँ से ओके, हमारा मार्जिन सेट हो गया है। टैब में, इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमको यहाँ पे टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसका ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से कॉल्यूम ले लेते हैं 3 और रो ले लेते हैं 3। अब यहाँ से हम करते हैं ओके। ओके करने के बाद हम अपने पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पे जा करके हम अपने टेबल के हाइट को सेट कर लेते हैं। हाइट हम रखते हैं 9, और यहाँ से हाइट 9 रखते हैं, और यहाँ से विड्थ को करते हैं, यहाँ पे हाइट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका विड्थ ले लेगा। यहाँ से ओके करने के बाद हमारा यहाँ पे टेबल देखिए अरेंज हो गया है। अरेंज होने के बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम एक शेप्स लेते हैं, रेक्टेंगल। यहाँ से आप लोगों को एक शेप्स दिखाई दे रहा होगा रेक्टेंगल का, और हम सब एक शेप्स इंसर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक शेप्स इंसर्ट कर लिए हैं। इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसका एक फॉर्मेट टैब अलग से खुल जाएगा। फॉर्मेट टैब खुलने के बाद हम यहाँ से फॉर्मेट टैब में जाएंगे, और इसके फील कलर को हम थोड़ा हल्का ग्रेडियंट टाइप का फील कर लेते हैं, जैसे हमको ये ग्रे कलर फील कर लेते हैं जैसे ये। अब इसका हम आउटलाइन को हटा देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। उसके बाद करने के बाद हम इसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एड टेक्स्ट, एड टेक्स्ट करने के बाद हम जो भी इंस्टीट्यूट का अपना आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं उसका पहले हम हेडिंग में उसका नाम लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पे BDS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे BDS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और नीचे उसका एड्रेस भी टाइप कर लेंगे, छपरा रोड नियर पेट्रोल पंप गरखा सारण, वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे टाइप कर लिए हैं BDS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और वो कहाँ पे है, छपरा रोड नियर पेट्रोल पंप गरखा सारण।
अब हम इसको रेड को हटा देंगे, इस पे डबल क्लिक करके राइट क्लिक और यहाँ से इग्नोर ऑन सबका कर देंगे। यहाँ से कर देने के बाद हम बीडीएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को थोड़ा बड़ा करते हैं और बोल्ड करते हैं। बड़ा और बोल्ड करने के लिए हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद हम अपने बीडीएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को बड़ा कर लेते हैं और इसके फॉन्ट के कलर को हम कर देते हैं रेड और बोल्ड। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, छपरा रोड गरखा सारण, इसको हम करते हैं अरेंज। अरेंज करने के बाद हम सबको सिलेक्ट करके इसके लाइन स्पेसिंग को हम कर देंगे कम। लाइन स्पेसिंग कम करने के लिए आपको यहाँ पे होम टैब में जाना है, पैराग्राफ में। पैराग्राफ में जाने के बाद यहाँ पे आपको लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कर दीजिएगा रिमूव स्पेस। रिमूव स्पेस करने के बाद इसको भी हम हटा देते हैं। अब इसको हम कर देते हैं ब्लैक और बोल्ड। अब यहाँ पे नीचे हम टाइप कर लेते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर हम कोई भी डाल देते हैं। आप अपना जो भी इंस्टीट्यूट का मोबाइल डालिएगा, इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, इसको भी सिलेक्ट करके हम कर देंगे ब्लैक और बोल्ड। हो जाने के बाद हम यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का लोगो इंसर्ट कर लेते हैं पिक्चर। तो उस इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे पिक्चर। अब हम यहाँ से डेस्कटॉप पे हमारा बीडीएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का लोगो है, इसको हम इंसर्ट करके यहाँ से फॉर्मेट टैब, हम फॉर्मेट टैब में जाएंगे। जाने के बाद हम अपने पिक्चर को, जो भी हम पिक्चर इंस्टॉल किए हैं उसको कर लेंगे थ्रो। यहाँ से हम कर लेते हैं इसको थ्रो। थ्रो करने के बाद हम अपने पिक्चर को अरेंज कर लेंगे, हमें कहाँ लगाना है वहां पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे। इसको थोड़ा और छोटा, यहाँ पे कर दिए हम अरेंज। और हम अपने, उसके बाद हम अपना फोटो इंसर्ट करने के लिए एक और शेप्स लेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल शेप्स, और यहाँ पे हम शेप्स को इंसर्ट करते हैं। इसमें हम अपना फोटो लगा सकते हैं, अपने स्टूडेंट का जो भी, जिसका भी आईडी कार्ड बना रहे हैं उसका फोटो यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। इसको हम कर देते हैं वाइट या फिर कोई दूसरा कलर कर देते हैं। यहाँ पे फोटो इंसर्ट हो जाएगा, इसमें हम लिख देंगे फोटो, राइट क्लिक करके एड शेप। अब इसमें हम लिख देते हैं फोटो, इसको हम कर देते हैं ब्लैक। यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे इंटर करके, अब इसमें हम टाइप कर लेंगे हमारा जो भी स्टूडेंट का नाम है। अब हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं अलाइनमेंट को सेंटर। अब हमें यहाँ पे नाम लिखना है, पहले इसको भी हम कर देते हैं सेंटर में। अभी हमें यहाँ पे नाम लिखना है, कर लेते हैं अलाइनमेंट को सेंटर। यहाँ पे लिखते हैं नेम, जो भी हमारे स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे नेम लिख देंगे। और यहाँ पे इसको करते हैं कंट्रोल एल। कंट्रोल एल करने के बाद हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं उसके फादर्स नेम। फादर्स नेम इंटर करके उसके बाद हम इसका डेट ऑफ बर्थ,
स्पेस करके हम कर्सर को यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे भी हम हाइफन का चिन्ह लगा देते हैं। इंटर करके डेट ऑफ बर्थ के बाद हम लिखना चाहते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखने के बाद हम लिखेंगे कोर्स कि हमारा स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है। उसके बाद हम अलाइनमेंट को कर लेते हैं सेंटर में। सेंटर में करने के बाद हम यहाँ पे कोर्स डिटेल्स टाइप कर लेते हैं। अब टाइप करने के बाद हम करेंगे इंटर। अब यहाँ पे हम फिर अलाइनमेंट को कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, कंट्रोल एल उसका शॉर्टकट की होता है। हम अलाइनमेंट को कर लिए लेफ्ट साइड। अब हम यहाँ पे कोर्स टाइप कर लेते हैं। करते हैं हम इंटर हैं वैलिड कि हमारे स्टूडेंट का आईडी कार्ड कितना दिन से कितना दिन तक वैलिड है। यहाँ पे हमारा वैलिड टाइप हो चुका है। अब इसके बाद हम नीचे लगाना चाहते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर लगाने के लिए हम यहाँ से स्पेस करके यहाँ पे आकर के हम सिग्नेचर टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम सिग्नेचर टाइप कर लिए। सिग्नेचर टाइप करने के बाद हम अपने कोर्स डिटेल्स को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड ये नेम को हम कर देते हैं कि हमारा जो नेम लिखे वो हमारा रेड में लिखने के लिए हम इसके कलर फॉन्ट के कलर को कर देते हैं रेड। थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इसके भी। हमारा हो गया रेड हो गया। अब इसको हम अब हमें चाहते हैं कि हमारा जितना भी टेबल्स बनाए हैं उसमें हमारा फिल हो जाए। फिल कराने के लिए हमको जाना है मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में जाने के बाद हमारा यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उस पर आपको क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन एरो कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिस्ट खुल गया होगा। लिस्ट खुलने के बाद आपको यहाँ पे लेबर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उस पर आकर के आपको बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा स्क्रीन पे। उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। चेंजेस नहीं कीजिएगा और यहाँ पे सिर्फ आकर के आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से ओके मांगेगा, यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपका यहाँ से स्क्रीन पे आपका यहाँ पे पेज ब्लैंक कर देगा। ब्लैंक करने देगा तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कीजिएगा कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड कीजिएगा तो फिर से आपका वापिस आ जाएगा सब। अब देखिएगा कि हमारा मेलिंग टैब में यहाँ पे अपडेट लेबर्स का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। आकर के आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा सारा जो भी हम टेबल इंसर्ट किए थे रो और कॉलम 3x3 का, उसमें आप देखिएगा कि हमारा जितना भी बनाए थे वो फिल हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक नाम भी फिल कर दे। उसके लिए हमको यहाँ पे एक्सेल में एक फाइल बनाना होगा जो कि हम पहले से बना करके रखे हैं। आप भी बना सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम खोल लेते हैं एक्सेल। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम एक फाइल बना करके रखे हैं एक्सेल के नाम से। यहाँ पे हमारा नौ स्टूडेंट का नाम लिखा है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और कोर्स और वैलिड लिखा हुआ है। तो इसको हम चाहते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक फिल हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पे एमएस वर्ड में जाएंगे। एमएस वर्ड में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में जाने के बाद सिलेक्शन रिपीटेशन का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसको क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे तो आपका यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उस पर आकर के आपको क्लिक करना है। उसका मतलब यह होता है कि हम कोई दूसरा फाइल अपने एमएस वर्ड में इंक्लूड करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक्सेल का फाइल हमारा डेस्कटॉप पे सेव है एक्सेल नाम से। हम यहाँ पे अपने फाइल को खोज लेते हैं कि हमारा फाइल कहाँ है। इस पे क्लिक करके अब हम इसको यहाँ पे हम कर लेंगे ओपन।
ओपन करने के बाद हमारा जिस भी सीट में हम अपना डेटा बनाए होंगे यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से करेंगे ओके। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो हमारा यहाँ पे बनकर के रेडी है नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कोर्स और वैलिड। अब हमें जहाँ पे हम नेम लिखे थे वहां पे हमको नेम लगा देना है, नेम के सामने नेम लगा देंगे, इसको हम अरेंज भी कर लेंगे साथ में। और हम फादर्स नेम के सामने फादर्स नेम को लगा देते हैं, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ के सामने डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से हम लगा देते हैं मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर, और यहाँ से कोर्स के सामने कोर्स, यहाँ से हम वैलिड के सामने वैलिड लगा लेते हैं। इसको हम करेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको अरेंज कर देते हैं थोड़ा। इसको भी कर देते हैं वैसे ही जैसे किए हैं। हो गया। अब हमें यहाँ पे अपडेट लेबल्स पे जाकर के क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सारे में फील हो जाएगा, जो भी हमने लिखा है एक में फील किया है वो सारे में फील हो गए। अब हम चाहते हैं कि जो भी हम एक्सेल में अपना डाटा बनाए हैं, नेम लिखे हैं, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, वो ऑटोमेटिक फील हो जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि हमारा स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, कोर्स सभी ऑटोमेटिक फिल हो चुके हैं। अब हमको यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें ऑल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से करना है ओके। अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे बॉर्डर ऑप्शन पे। अब यहाँ से हम अपने बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे। अब हम थोड़ा इसको बॉर्डर को अपने बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद यहाँ से कर देंगे ओके। हमारा बॉर्डर लग चुका है, हमारा बन करके फाइल तैयार हो चुका है। जो भी हम आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं आप देख सकते हैं कि हम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सभी स्टूडेंट का नाम और फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर बन करके तैयार हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे फोटो फिल करना है तो इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से फॉर्मेट में जाइएगा, आपको यहाँ पे सेव फिल का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर के ऑप्शन पे जाइएगा और अपने फाइल, अपने जो भी जहाँ पे भी आप अपने फोटो रखे होंगे वहां से क्लिक करके यहाँ से आपको अपने पिक्चर को फिल करा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।